प्यारे से पल, राष्ट्रध्वज, झंडारोहण होने वाला है। भारत माता की, सदगुरु महाराज की। आने से भाग्य की माता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। परम पूज्य गुरुदेव, सैल्यूट करते हैं राष्ट्र ध्वज को और हमारा नमन है माँ भारती को, राष्ट्र देव को। राष्ट्रभक्ति सर्वोच्च भक्ति, गुरुदेव ने कहा, और हम सबके लिए यह बड़े स्वर्णिम पल। गणतंत्र दिवस का ये महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, ये महान उत्सव, हमारा राष्ट्रीय उत्सव, जिसमें आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश में कोई भी पार्टी शासन करती हो, लेकिन शासन करता है कानून, संविधान। और संविधान में जितनी भी धाराएं, जितने भी कानून, जितने भी नियम होते हैं, वो देशवासियों के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए होते हैं। जब हम अपने कानून का पालन करते हैं, तो हम अपने राष्ट्र को सम्मान देते हैं। आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए ये गणतंत्र दिवस, जिसे माना जाएगा कि ये समस्त भारतीय लोगों का अपना देश और अपना स्वयं का राज्य, हमारा अपना कानून, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो आज 71वां गणतंत्र दिवस है, आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुछ संकल्प अपने मन में जरूर लेने चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हमारे लिए ईश्वर है, हमारे माता पिता सम्मानित और आदरणीय है, हमारा धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक हमारे लिए हमारा देश महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए वेदों में कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, भूमि हमारी माँ है और हम सब इसके बच्चे हैं। और राम जी ने भी इस बात को कहा था, जब लक्ष्मण ने कहा कि मुझे लंका देखने की इच्छा है, क्योंकि सोने की लंका है। जब लंका को जीत लिया गया, विजय प्राप्त हो गई, तो लक्ष्मण ने ये इच्छा की थी लंका देखने की,
तो राम जी ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, मानता हूँ कि ये सोने की लंका है लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता, वो स्वर्ग से भी महान है। इसलिए राष्ट्र प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा है। और जो अपने देश को प्यार करता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी बात से अगर हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचती है तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वे लोग जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पता लगता है कि उनको अपने राष्ट्र से प्यार नहीं है। जापान में हड़ताल होती है, विरोध मनाया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों में एक खास बात देखी, एक काली पट्टी बांध कर और काम में लग जाएंगे। फैक्ट्री में हड़ताल भी करनी है तो सिर्फ काली पट्टी बांधेंगे और उस दिन ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। और उनकी इसी बात को आधार मानकर वहाँ के अधिकारियों को झुकना पड़ता है। वो कहते हैं देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, विरोध अपनी जगह, विरोध करेंगे लेकिन अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर मानेंगे। इसलिए जापानियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हुई, दो बार दो बड़े शहरों में किस प्रकार से एटम बम से, परमाणु बम से हमला किया गया, उनकी बिल्डिंगें टूट गई, लोग मर गए लाखों। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जापान का मनोबल कोई तोड़ नहीं पाया, वो फिर से खड़े हुए और दिखा दिया कि हमारे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कुछ है तो हमारा देश कीमती है। वही भावना जो हमारे शास्त्रों में दी, हमारे वेदों में दी, उसी को ध्यान में रखकर हमें अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, अपने बलिदानियों के प्रति। और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए अपने बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना पैदा करें। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। वही माँ धन्य है जिसका बेटा या तो दाता बने, भक्त बने, या फिर शूरवीर हो अपने देश की रक्षा करने में, जिसने कोई कसर बाकी न छोड़ी हो। ऐसे योद्धाओं की जो माँ है वही धन्य माँ है। अपने बच्चों को वीर बनाए, धर्मवीर बनाए, दानवीर बनाए, कर्मवीर बनाए, शूरवीर बनाए। तो आज के दिन कुछ न कुछ संकल्प अपने मन में जरूर लें, क्योंकि गाथाएं उन्हीं की गाई जाती हैं, चर्चाएं उन्हीं की होती हैं, जिन्होंने दुनिया में अपने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन जिया और कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया।